सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये तीन अवतार दुर्वासा जी, चंद्रमा जी और दत्तात्रेय क्यों हुए। नारद जी बैकुंठ धाम गए, शिवलोक गए, ब्रह्मलोक गए, तीनों देवियों को उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर एक ऐसी माता है, पतिव्रता माता है, कि उस जैसी माता तीनों लोकों में नहीं है। इतनी तपस्वी और पतिव्रता नारी है माता लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी, तीनों को ईर्ष्या हो। तीनों ने ब्रह्मा जी को, शिव भगवान को और भगवान विष्णु को भेज दिया परीक्षा लेने के लिए। तीनों एक साधु का रूप लेकर अत्रि ऋषि के आश्रम पे आ गए। आश्रम पर आए, भिक्षा मांगी। माता भिक्षा लेकर आती है तो तीनों संत जो देव रूप थे उन्होंने कहा, मैया हमें ऐसे भिक्षा नहीं चाहिए, हमें भोजन करना है। तो उन्होंने माता उनको अपने अंदर कुटिया में ले आती है, आसन लगा देती है, भोजन परोस देती है। तो कहने लगे, मैया हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, अगर हमें भोजन कराना हमारी एक शर्त है, निवस्त्र होकर भोजन करो, कोई वस्त्र शरीर पर नहीं होना चाहिए, तब भोजन करेंगे। अब समस्या में घिर गई माता अनुसुईया कि कैसे मैं इनको निवस्त्र होकर भोजन कराऊं, अगर मैं निवस्त्र होती हूं तो पतिव्रत धर्म टूट जाता है। सोचने लगी, विचार करने लगी, अंदर गई, जल लेकर आई, हाथ में जल ले लिया और भगवान से प्रार्थना की, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं तो तीनों साधु मेरे बालक रूप में बन जाए। उनके ऊपर जल छिड़क दिया तो तीनों बाल रूप में बन गए, बालक बन गए। अब तीनों बालकों को निवस्त्र होकर अपना दूध पिलाया और उनको बालकों को अपने घर में रख लिया। अब उधर ब्रह्माणी इंतजार कर रही है, लक्ष्मी इंतजार कर रही है, माता पार्वती इंतजार कर रही है। दिन बीते, महीने बीते, बालक नहीं पहुंचे, भगवान नहीं पहुंचे। तो नारद जी ने संदेश दिया, वो तो बालक रूप में वहां खेल रहे हैं, अब दोबारा कभी बड़े होंगे तभी आ पाएंगे। तो माता लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी तीनों पृथ्वी लोक पर आई। माता अनुसुईया को प्रणाम किया, माफी मांगी और कहा कि हमारे पतियों को छोड़ दो, इनको उसी रूप में ला दो। तीनों को उसी रूप में ला दिया, तीनों उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब माता ने वर मांगा कि आपके अंश का एक एक अंश मुझे चाहिए, मेरे गर्भ से आप लोग, मेरा मोह पड़ गया आप लोगों में और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में आप लोग जन्म लें। तो तीनों के अंश से एक एक पुत्र पैदा हुआ। ब्रह्मा जी से चंद्रमा, अंश से चंद्रमा हुए और भगवान श्री हरि के अंश से दत्तात्रेय हुए और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए। ये तीन पुत्र। बोलो हरे कृष्ण।